गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 SST में हमारी ज्योग्राफी की बुक चल रही है, जिसमें हम अपना सेकंड लेसन जो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने अपने लास्ट क्लास तक अपना पूरा जो लेसन था वो पढ़ लिया था। आज हम चलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभ्यास में आपकी पुस्तक में पीछे दिए गए होते हैं। उसमें सबसे पहला है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैंने इस प्रश्न के प्रश्न नहीं लिखकर डायरेक्ट उत्तर लिखे हैं बच्चों। पहला प्रश्न है उत्तर देने का, उसमें पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर है, मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ध्यानपूर्वक देखें, मैं स्क्रीनशॉट भी आपको भेजूंगी। मृदा के निर्माण के लिए जो दो महत्वपूर्ण जलवायु कारक होते हैं उसमें सबसे पहला आता है तापमान और दूसरा होता है वर्षण यानी वर्षा। ठीक है, तो आपको दो कारण पूछे गए हैं, तो दो कारक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तापमान और वर्षण। तो आपको प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, मृदा के निर्माण के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, पहला तापमान और दूसरा वर्षण। अब आते हैं इसी का दूसरा प्रश्न, उसमें पूछा गया है भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारक लिखिए। अब हमको दो कारक बताने हैं भूमि निम्नीकरण की, भूमि कम कैसे होती जा रही है। तो दो कारक होते हैं बेटा, एक तो होते हैं मानवीय कारक, दूसरे होते हैं प्राकृतिक कारक। मानवीय कारक जो मानव के द्वारा किए जाते हैं, जैसे वनों को काटना यानी वनोन्मूलन, अतिचारण जो कि हम अपने पशुओं को ले जाके चारा चराते हैं खेतों में वनों में। तीसरा कि आज हम अपनी कृषि के लिए ज़्यादा खेती उत्पन्न हो, ज़्यादा कृषि हो, तो हम क्या करते हैं, रासायनिक खादों, कीटनाशकों का क्या करते हैं, अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो ये तो आते हैं आपके मानवीय कारकों के अंदर। और दूसरा जो होता है वो है प्राकृतिक कारण, जो प्रकृति की देन होते हैं, लाइक जैसे कि वर्षा होती है, वो हमारे बस में नहीं होती है, ये प्रकृति द्वारा होती है। दोहन करना, भूस्खलन होना या बाढ़ आ जाना, ये कारक होते हैं जो प्राकृतिक कारक है, जिस पर मानव का कोई बस नहीं होता है। तो ये भूमि निम्नीकरण के दो कारक पूछे गए थे, जो दो कारण हमने यहाँ पर बताए। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि भूमि जो हमारा एक संसाधन है, वह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। आप सभी जानते हैं ना, हम तो पूरी तरह से धरती से जुड़े हुए हैं, और धरती हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि धरती ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। हम इसी पर रहते हैं, इसी से उगा हुआ अनाज पानी खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धरती से ही प्राप्त करते हैं। तो धरती से जो चीज़ें प्राप्त की जाती है, इसलिए इसको हमें जीवन का क्या कहा गया है, प्रमुख आधार। इसके बिना हम न तो रह पाएंगे, न खा पी पाएंगे, और जो भी अतिरिक्त चीज़ें जो हमें चाहिए वो हम इसे के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। अब आता है प्रश्न नंबर 4, भूमि के महत्वपूर्ण संसाधन के बाद आता है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है, है ना। तो सबसे पहला क्या किया है सरकार ने, जैव मंडल नीचे, आप जानते हैं ना जैव मंडल नीचे, मैंने आपको कल भी बताया था जैव मंडल नीचे क्या होता है। जैव मंडल नीचे जो होते हैं वो वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े हुए रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला होती है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से सरकार द्वारा बनाया गया। तो पहला तो होता है जैव मंडल नीचे, दूसरा होता है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है, वन्य अभ्यारण्य बनाए गए हैं। आपको पता है राष्ट्रीय जीव अभ्यारण्य, जैसे मैंने आपको रणथंभौर सरिस्का इनके बारे में बताया है, ठीक है। और अवैध शिकार जो करते हैं और कटाई जो करते हैं उन पर भी रोक लगाइए। तो ये सरकार द्वारा किए गए प्रयास दो पूछे गए हैं, हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कराया। तो मैंने भी कल आपको बताया था राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल नीचे, है ना, शिकारी कर शिकार पर हम उसको अनाधिकृत बताया गया है, ऐसे ही CITCS की भी स्थापना की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकारों द्वारा क्या किया गया है, इसके लिए संरक्षण आरंभ करने के लिए की गई है, ठीक है। अब आता है पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसके उपाय मैंने आपको जब वाटर कंजर्वेशन बताया था तो बहुत सारे बताए, लेकिन हम यहाँ बताते हैं 3 तरीके पूछे हैं। तो सबसे पहले कि आप वृक्षारोपण करिए, वृक्षारोपण करने से क्या होता है, वृक्षों की जड़ों में क्या होता है, आर्द्रता बनी रहती है, वो मिट्टी जड़ों के अंदर पानी को रोकने का काम करती है। तो वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। दूसरा होता है रिसाव व वाष्पीकरण को रोकना, कि जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो आपको अपनी नहरें क्या करनी चाहिए, सीमेंटेड बनवानी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, वाष्पीकरण कम होता है, छिड़काव विधि,
टपकण विधि का प्रयोग करना चाहिए, इससे वाष्पीकरण कम होता है और जल संरक्षण होता है। तीसरा है जल वर्षा जल संरक्षण, जिसमें मैंने आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बताया था कि बारिश के जल को छतों से नालियाँ बनाकर जमीन के अंदर बहुत बड़े टैंक बना लिए जाते हैं और सीधा वर्षा का पानी उन नालियों के माध्यम से उन टैंकों में जाकर एकत्रित हो जाता है, जिसका उपयोग हम बाद में कई महीनों तक कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया था। तो तीन उपाय मैंने आपको बताए। तो ये तो हमारा हो गया प्रश्नों के उत्तर वाला एक पार्ट। अब दूसरा है कि सही उत्तर को चिन्हित करना है। ए बी सी डी होते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो हमें तीन कारक दिए हैं, उसमें हम खे पर निशान लगाया है। मृदा का गठन, समय भी हमारा मृदा के निर्माण का कारक होता है, जैव पदार्थ भी मृदा के निर्माण के कारक, तो यहाँ नहीं पूछा है तो मृदा का गठन नहीं होता है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। तो हम बता दें, रक्षक मेखलाओं में तो हम पेड़ लगाते हैं, है ना, मल्चिंग अलग होती है, वेदिका कृषि सही आंसर इसका है ना। और तीसरा प्रश्न है कि कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो आप देखें, देखो बल्ब को बंद करने से क्या इलेक्ट्रिसिटी बचती है, नल को बंद करने से जल कंजर्वेशन होता है, नल पानी का कंजर्वेशन होता है। लेकिन तीसरा है, खरीदारी के बाद पॉलीथीन जो होती है उस पैक को नष्ट कर देना चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि इसको कर देने से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, अनुकूलन के लिए सही नहीं है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, जो आपका मैचिंग का होता है, मिलान करना होता है इधर वाले पार्ट को दूसरे भाग से। तो भूमि उपयोग में मैंने आपको तीसरा पॉइंट है, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ठीक है, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस है ऊपरी मदा पर निक्षेपित जल पदार्थ। तीसरा है, चट्टान बांध होता है जो मदा अपरदन को रोकने का कार्य करता है। और जैव मंडल क्या होता है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये तीनों मंडल के मिश्रित एक संकड़ा हुआ क्षेत्र जो होता है, जुड़ा क्षेत्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल कहते हैं, जहाँ पर पारितंत्र पाया जाता है। तो ये चारों मैंने आपको बताया। अब आता है आपके सत्य और असत्य, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन जो है, उसमें देखिए पहला है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान सबसे ज़्यादा आबाद प्रदेश है। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर सिंचाई और साधन ज़्यादा होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है इस प्रश्न का उत्तर, राइट का निशान लगाया। दूसरा है, भारत में प्रतिवक्त जल की उपलब्धता कम हो रही है। बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, हमारे जल की मांग बढ़ती जा रही है, तो जो उपलब्ध, तो बिल्कुल कहते हैं ना, जल की निश्चितता स्थिर में मात्रा में होता है, तो ये कम होता जा रहा है। तीसरा है, तटीय वृक्षों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, इसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। जी नहीं, रक्षा के लिए जो वृक्ष लगाए जाते हैं उसको रक्षक मेखला बोलते हैं, बीज की फसल होती है जब हम बदल बदल कर फसल लगाते हैं, तो ये गलत हो गया आपका। और लास्ट जो है वो है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रखते हैं। जी नहीं, बिल्कुल हस्तक्षेप करने से ये पारितंत्र का असंतुलन पैदा करते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो ये हमने जो हमारी पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए थे, उन सभी पुस्तक के प्रश्नों को हमने यहाँ पर आपको उत्तर बताया है। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों को जो प्रश्न मैं समय समय पर पढ़ाती रही हूँ और बीच बीच में देती गई हूँ, उन प्रश्नों को भी आप लिखते हैं। जैसे पारितंत्र किसे कहते हैं, जैव मंडल किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया जैव मंडल निक्षय किसे कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं, दावनल क्या है, ये किस कारण से होता है, भूस्खलन क्या है, उसके कारण क्या है, उसे कैसे रोका जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा जितनी भी हमारी विधियाँ हैं मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय में, चार विधियाँ आपको बताई है, मल्च विधि, वेदिका फार्म, है ना, रक्षक मेखलाएँ, ये सारी आपको आनी चाहिए। इस तरीके से आप करते जाएं। एक मृदा परिच्छेदिका का मैंने आपको बताया था, उसके अलावा अपशयन बताया था, अपशयन क्रिया क्या होती है। तो ये सारे प्रश्न जो छोटे छोटे इन बिटवीन बनते हैं, जो मैं समय समय पे आपको बताती रही हूँ, आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। होमवर्क मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेंड करें, क्योंकि आज हमने अपना ये सेकंड